हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही चटपटा चटनी। तो आप भी सोच रहे हो किस चीज का चटनी है। तो आप बहुत बार खाए होंगे गवार फली का सब्जी, लेकिन इस बार अलग और बिल्कुल हटके खाइए इस गवार फली का चटनी बना के एक बार घर पे, आपको मजा आ जाएगा। इस गवार फली का चटनी को आप बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये इतना टेस्टी और इतना हेल्दी है, इसे आप बार बार जरूर बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोजाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेस और रेसिपीज की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पे हम 250 ग्राम गवार फली लिए हैं। गवार फली आप कोई सा भी ले सकते हैं, देसी या जो जो आता है चलानी वो भी। तो गवार फली को हमें लेके इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूरी पे तोड़ना है। जो काला वाला है पार्ट उसे हटा देना है, और इस तरीके से इसका रेशा निकालते हुए तोड़ के बिल्कुल साफ कर लेना है। जिस तरह से हम बीन्स तोड़ते हैं या लोबिया तोड़ते हैं, उसी तरीके से हमें तोड़ना है ये गवार फली को भी। तो अक्सर आप देखे होंगे कि गवार फली को मसालेदार ही बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, लेकिन मैं सोची कि इसका कुछ हटके और अलग बनाया जाए। तो ये गवार फली का मैं आज चटनी बनाऊंगी, और यकीन मानिए दोस्तों, आप लोगों को इतना टेस्टी लगेगा कि आप बार बार इस गवार फली का चटनी बना के खाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बिना तेल मसाले का बनेगा। यानी कि बहुत ही कम, एक बूंद मान सकते हैं तेल का हम यूज करके इस चटनी को बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम धो के गवार फली को एक तवा पर डाले हैं। तवा जो है लोहे का होना चाहिए, जब भी जाके ये चटनी जो है बिल्कुल अच्छा बनता है। तो देखिए, हम साथ के साथ 7-8 कलियां लहसुन डाल लिए हैं, 3-4 हरा मिर्च और 3-4 सूखा हुआ मिर्च, यानी कि लाल मिर्च है ये। और आप देख सकते हैं, यहीं पे हम 1 से 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल आप 1 चम्मच में बना सकते हैं, 2 चम्मच में भी बना सकते हैं इस गवार फली का चटनी को। तो देखिए, हम स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे ढक्कन से ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे, यानी कि सीम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। यानी कि हमें इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डालना है, और आप इसे अलट पलट के चलाते हुए बहुत ही बढ़िया ये भुन जाएगा। तो देखिए, इसे भुनने में आपका टाइम 7 से 8 मिनट लगेगा। जब तक आप रोटियां बना सकते हैं या कोई दूसरा काम कर सकते हैं, तो देखिए इस तरह से आप पलट लें और इसे ढक्कन से ढक के ही पकाएं। तो गवार फली में जो खुद का पानी है, उसी पानी से ये बहुत ही अच्छा स्टीम हो जाएगा, और स्टीम होगा उसके साथ साथ ये सोंधापन इसका चटनी लगेगा, क्योंकि हम लोहे के तवा पे इसे पका रहे हैं, यानी कि भून रहे हैं। और देखिए, इस तरीके से हम अलट पलट के चलाते हुए 7 से 8 मिनट में चेक करेंगे कि हमारा जो गवार फली है बहुत अच्छा से स्टीम हुआ है कि नहीं। तो आप चाहें तो इसे स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं, लेकिन जो हम तवा पे बना रहे हैं उसका फ्लेवर कुछ हटके आएगा और बिल्कुल सोंधा सोंधा लगेगा। आप देख सकते हैं, इसमें चित्तियां आ गई है, यानी कि जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है तो चित्ती आ गई, जिसका मतलब पक चुका है। आप चाहें तो हाथों से दबा के भी देख सकते हैं। ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सर जार में बिना पानी डाले पीसेंगे। आप सोच रहे होंगे बिना पानी डाले कैसे पीसेगा ये, तो बहुत ही आसानी से गवार फली पीस जाता है। इस तरीके से चम्मच से आप चलाते हुए पीस लें। 1 से 2 बार आपको मिक्सर जार चलाना पड़ेगा, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, हमारा यहाँ पे गवार फली का चटनी बन के रेडी है, और बहुत ही लजीज और बहुत ही हेल्दी चटनी रेडी है। तो आप इसे दाल, रोटी या किसी भी सब्जी के साथ सर्व करें, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी बनाइए, खाइए, और अपना राय कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए कि आपका जो गवार फली का चटनी है तवे पे बनाए, वो कैसा बना। तो हम एक नए रेसिपी में आपसे मिलेंगे, और ये वीडियो पसंद आने पे ट्राई करें और इस वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में इस रेसिपी को शेयर करें जिन्हें चटपटा खाने के शौक है। तो जब तक हम मिलते हैं दोस्तों एक नए रेसिपी में, जब तक के लिए खाते रहें और मुस्कुराते रहें, रोजाना खाना से जुड़े रहें।